नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एलाइड का क्वेश्चन पेपर। ये है सीरीज सी और ये एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह का केंद्र और उनके नेताओं के नाम, इनके साथ क्या करने हैं, इनके साथ मिलाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो यहाँ ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन इन आगे वाले नेताओं के नाम के साथ मैच नहीं करता, लेकिन ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आंसर जो दिया है वो दिया था लखनऊ, यानी लखनऊ में नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। लेकिन फ्रेंड्स, जो लखनऊ में नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का, वो किया था आपकी बेगम हजरत महल और वीरजीत कादिर खान ने। ठीक है, किसने किया था, बहादुर शाह, दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में किसने किया था, बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह की, ठीक है, इन्होंने कहा नेतृत्व किया था, इन्होंने किया था फैजाबाद में। ठीक है, अब अगर हम बात करें कुंवर सिंह की, कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, इन्होंने किया था जगदीशपुर में, जगदीशपुर यानी कि बिहार में। ये जो कुंवर सिंह थे ये कहाँ थे, बिहार के जमींदार थे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे कानपुर। कानपुर में किसने नेतृत्व किया था इस विद्रोह का, ये किया था नाना साहब ने। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन है आपके पास खान बहादुर खां। अगर हम खान बहादुर खां की बात करें तो इन्होंने नेतृत्व किया था बरेली में। ठीक है, और इसके अलावा जो नेतृत्व किए गए 1857 के विद्रोह के, वो किए गए आप ये देख लो इलाहाबाद में, किसने नेतृत्व किया था, ये किया था लियाकत अली ने। ठीक है, और इसके अलावा जो झांसी में नेतृत्व किया था आपकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये इल्बर्ट बिल विवाद क्या था। जो इल्बर्ट बिल विवाद था ये क्या था कि यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा, ठीक है, ये क्या था, यूरोपियों के विरुद्ध जो भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इसको पास किया गया था। ठीक है, लेकिन क्या है कि यूरोपियों के प्रबल विरोध के कारण इसको क्या कहें, स्थगित करना पड़ा था। ये किसके शासनकाल में हुआ था, ये हुआ था आपके लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1883 में। ठीक है, 1883 में हुआ था इल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है, अगर यहाँ बात की जाए कि किस वायसराय की शासनकाल में, तो अगर आपने आंसर फाइंड करना हो, अगर आपको आंसर पता नहीं हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि इसमें वायसराय कौन है, ठीक है, और भारत के गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, जो कि क्या है, भारत के गवर्नर जनरल थे, ना कि वायसराय थे, राइट। अब इसके बाद आपके पास तीन ऑप्शन बचते हैं, आपने कैसे याद रखना है कि किसके शासनकाल में क्या हुआ था, तो या किसका शासनकाल किस ईस्वी या सन में रहा है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है कि इन सभी की कोई भी एक एक इम्पॉर्टेंट डेट आपने इनके नाम के साथ याद रखनी है। जैसे कि हम पहला करेंगे लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं हम, जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है उनका रहा था 1848 से 56 तक। ठीक है, अब जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल का जो याद रखेंगे वो कैसे रखेंगे, इनके टाइम में क्या हुआ था, इनके टाइम में एक तो 1854 में वुड डिस्पेच लागू हुआ था। ठीक है, अब ये 1854 में जो वुड डिस्पेच लागू हुआ, ठीक है, ये किससे संबंधित था, जो ये वुड डिस्पेच, ये एक शिक्षा संबंधी सुधार अधिनियम था, ठीक है, जिसे कि वुड डिस्पेच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और क्या हुआ था, इसने डोकलैन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई थी, यानी हड़प की नीति किसने अपनाई थी, ये भी लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। इसके अलावा जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में एक और जो महत्वपूर्ण घटना है, आपको पता होगा कि इसके शासनकाल में क्या हुआ था, इसके शासनकाल में जो रेलवे परिवहन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यानी पहली रेल किसके शासनकाल में चली, वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। और ये कब चली थी जी, ये चली थी आपकी 16 अप्रैल 1853 को, और कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, और मैं भी ये शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर ये 34 किलोमीटर चली थी ये पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है फ्रेंड्स, इसका शासनकाल आपने याद रखना 48 से 56 तक। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, लॉर्ड लिटन। अगर हम लॉर्ड लिटन की बात करें, इसका शासनकाल रहा था 1876 से 80 के बीच रहा था। ठीक है, अब जो लॉर्ड लिटन है, इन्होंने क्या क्या किया था, इन्होंने सबसे एक जो ज़रूरी था कि जो रानी थी महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, तो
उनको कैसर इनकी उपाधि देने के लिए इन्होंने दिल्ली में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ये किया था 1 जनवरी 1870 को, याद रखना। किसके शासनकाल में रानी विक्टोरिया को कैसर इंद की उपाधि दी गई थी? ये दी गई थी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, ठीक है। इसके अलावा क्या किया था इन्होंने, इन्होंने 1878 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, जिसको कि हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको क्या कर दिया था इन्होंने, इस पर पारित करके समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे, ठीक है। ये किसने लगाए थे, लॉर्ड लिटन ने, जिसको कि बाद में इसी एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा बाद में इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अगर हम लॉर्ड रिपन की बात करें, रिपन की, एक तो इल्बर्ट बिल विवाद हो गया इसके शासनकाल में, ठीक है। कब हुआ था ये, 1883 में हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लॉर्ड रिपन को क्या भारत का उद्धारक कहा जाता था, किसने कहा था, जी हाँ, इसको कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। किसने कहा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था, ठीक है। और ये उद्धारक क्यों कहा था जी, क्योंकि इसने एक तो इल्बर्ट विधेयक पास हुआ था इसके शासनकाल में, ठीक है। दूसरी बात क्या हुई थी कि 1881 में सर्वप्रथम जो नियमित जनगणना शुरू हुई भारत में, जिसके बाद की आज तक जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है, वो किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, रिपन के शासनकाल में, ठीक है। उसके अलावा क्या किया था इसने, जो सिविल सेवा की जो प्रवेश आयु थी उसको 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था, ठीक है। ये किया था रिपन में, जो रिपन का शासनकाल है वो है 1880 से 84। अगर आपको रिपन का शासनकाल याद रह गया हो तो आपने क्या करना है कि रिपन का है 1880 से 1884, ठीक है। अब रिपन बड़ा था, ठीक है, अब वो हाइट में छोटा था, कौन, लिटन, लिटन को आप लिटल से जोड़ देना, लिटल यानी छोटा, छोटा कौन था, लिटन, लिटन बस इससे 4 वर्ष पीछे चले जाओ आप, 80 से माइनस कर दो 4, 76, यानी 76 से 80, 80 से 84, और इसमें प्लस करेंगे जब आप तो 84 से 88, ये आ गया आपका लॉर्ड डफरिन। अब जो लॉर्ड डफरिन है ये कौन थे, ठीक है, ये भी वॉयस रॉय थे, ठीक है। इनके शासनकाल में जो एक घटना घटी थी, या फिर कहेंगे हम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, ये हुई थी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, जी हाँ, इसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। और ये कब हुई थी, ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है, कब हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। और जो किसके नेतृत्व में हुई थी, ये हुई थी एओ ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था एओ ह्यूम, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुई थी, एओ ह्यूम के नेतृत्व में, जो इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है, इसकी पहली बैठक हुई थी, वो कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रवादी नेता ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, ठीक है, किस राष्ट्रवादी नेता ने, ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, ये लिखी थी आपकी दादा भाई नेहरू जी ने, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी को और क्या क्या था, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 67 और 68 में इनकी जो पुस्तक है उसमें इन्होंने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय प्रदर्शित की थी, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय जो सबसे पहले आकलन किसके द्वारा किया गया था, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए जी, अब पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कौन थे, ठीक है, ये भी एक नेता थे, ठीक है। अब इनकी जो एक स्टेटमेंट थी, ठीक है, वो उनकी स्टेटमेंट, यानी इन्होंने क्या नारा दिया था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा और हमने समझा कि इससे हमारा घोर अपमान किया गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसकी थी, ये थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक, इनकी भी एक स्टेटमेंट थी, वो स्टेटमेंट क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसका था, ये था बाल गंगाधर तिलक का। इसके अलावा इनका एक और था कि हमने अपने प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिलेगी, क्या कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, कि हमें अपने प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिलेगी अगर हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राते हैं, ठीक है। ये भी किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक थे वो क्या थे, एक उग्रवादी नेता थे, ठीक है। ये तीन नेता थे, लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इन्होंने क्या किया था, 1927 में साइमन कमीशन वापिस जाओ का नारा लगाया था, ठीक है, जो कि साइमन कमीशन भारत आया था उसके विरोध में इन्होंने एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन में क्या है कि उस आंदोलन में लाला लाजपत राय और उनके समर्थकों पर
ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या कर दिया था, लाठीचार कर दिया था, ठीक है। और वही लाठीचार बाद में क्या है, लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण भी बना। अब आपके लिए ये प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी एक स्टेटमेंट है, उस टाइम की स्टेटमेंट दी थी उन्होंने कि मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी या एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के पतन का कील सिद्ध होगी। ये किसने कहा था, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। इसके अलावा सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी, ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये भी की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। कब की गई थी ये, 1920 में, ठीक है, 1920 में की थी, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था, या सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था। सत्यशोधक समाज का संस्थापक था महात्मा ज्योतिराव फुले, ठीक है। और ये स्थापना कब की गई थी, 1873 में, ठीक है। और कहाँ की गई थी, ये की गई थी पुणे में। अब जी ये क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज का संस्थापक, ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन जो कन्फ्यूज करता है, वो है सर्वोदय आंदोलन के जनक, ठीक है, या संस्थापक कौन थे। तो ये थे विनोबा भाव, और विनोबा भाव ने एक नारा दिया था जो था जय भगत। जय भगत का नारा किसने दिया था, ये दिया था विनोबा भावे ने, ठीक है। सर्वोदय आंदोलन के जनक कौन थे, विनोबा भावे। और सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन थे, वो थे महात्मा ज्योतिराव फुले। कब की थी, 1873 में, ठीक है। अब आगे अगला नाम आ गया महादेव गोविंद रानाडे। जो महादेव गोविंद रानाडे है, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, इन्होंने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। और कब की थी, इन्होंने की थी ये 1867 में, और कहाँ की थी, बम्बई में की थी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई, 1867 में, किसने की, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, ये दो व्यक्ति थे, ठीक है। इन दोनों ने किसकी स्थापना की, आपकी प्रार्थना समाज की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ये कौन थे, ये थे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ये थे आपके राजा राम मोहन राय, ठीक है। और इन्होंने कब की थी स्थापना, ये की थी 1828 में, कहाँ की थी, कलकत्ता में। और राजा राम मोहन राय इन्होंने क्या है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल और जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी कहे जाते हैं, ठीक है, उनका जो सहयोग दिया था सती प्रथा को समाप्त करने में 1829 में, ठीक है। तो 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद भी की थी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। अब जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, इन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना। और कब की थी, 1875 में, और कहाँ की गई थी, बम्बई में की थी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी, 1875 में की थी। चलिए आगे चलते हैं, गदर आंदोलन के नेता कौन थे, ठीक है जी, गदर आंदोलन के नेता कौन थे। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी लंबा बन जाएगा जो नेक्स्ट पार्ट में। बाकी आगे क्वेश्चन हम जो एलाइड के पेपर से है, पहले इस पूरे पेपर को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि ये आपको हेल्पफुल करेगा तो कहीं ना कहीं आप इसको लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करते रहे, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। गदर आंदोलन के नेता कौन थे, ये थे आपके लाला हरदयाल। और इन्होंने कहाँ की थी, गदर आंदोलन की स्थापना कहाँ की थी इन्होंने, 1913 में की थी, कहाँ की थी, फ्रांसिस्को में की थी, ठीक है। और इनके जो सहयोगी थे कांशीराम और सोहन सिंह इनके साथ थे, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, एस ए डांगे कौन थे। फ्रेंड्स मुझे इनके बारे में ज़्यादा तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो ये है एस ए डांगे, इनका पूरा नाम है श्रीपद अमृत डांगे, ठीक है। तो ये क्या थे, ये CPI के एक कार्यकर्ता थे, ठीक है। और जो ब्रिटिश शासन के टाइम में इन्होंने जो एक इंडिपेंडेंस इंडियन यूनियन मोमेंट में भी, हाँ, जो इस मोमेंट में इन्होंने भाग लिया था, और इस मोमेंट के कारण ये 13 साल तक जेल में रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास भगत सिंह के बारे में बहुत से लोग जानते हैं कि ये सबसे पहले जो फांसी की सजा इन्हें दी गई थी, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जो सबसे यंगेस्ट मैन थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी, वो थे हमारे खुदीराम बोस, ठीक है। जो भगत सिंह है वो दूसरे नंबर पे कह सकते हैं हम। भगत सिंह ने एक नारा दिया था, उसका नारा था, ठीक है, इंकलाम जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। और भगत सिंह को ही शहीद आजम कहा जाता है, ठीक है,
शहीद आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है। वहीं विपिन चंद्र पॉल की बात करें तो मैं बता रहा था कि उग्रवादी नेता है, ठीक है। ये तीन नेता थे, लाल, बाल और पाल, ठीक है, जिनका नाम की उग्रवादी नेताओं में आता है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन घटित हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जितने भी आप मोमेंट्स, इंडियन नेशनल मोमेंट जितने भी हुए, उन सभी को आपने ईयर ही ईयर नहीं बल्कि उनकी डेट भी याद करनी है, ठीक है। जब कभी भी आप इंडियन नेशनल मोमेंट को पढ़ते हैं तो उसके साथ उनकी डेट भी याद करनी है। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। पूरा पढ़ना है, जब पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ये कब हुआ था स्टार्ट? ये हुआ था 1930 में, ठीक है। अब ये सिंपल लिख दिया 1930, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट ये हुआ था 12 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था, और कब तक चला था? ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। इसमें क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था कि जो ये डांडी से यात्रा स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इसमें गांधी जी के साथ 79 उनके अनुयायी थे और इसमें 24 दिन का वक्त लगा था। ये क्या था, इन्होंने वहाँ पर पहुँच कर क्या कर दिया था, नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1930 में हुआ था, ठीक है। तो आपने याद रखना, एक क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे डांडी यात्रा के समय? तो गांधी जी के साथ थे 79, ठीक है। और गांधी जी के अतिरिक्त कितने थे? गांधी जी के अतिरिक्त थे 78, एक गांधी जी स्वयं और 78 उनके अनुयायी, यानी 78 + 1 टोटल 79, ठीक है जी। अगला देख ले, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1905 और 1906 में, ठीक है। ये इसको बंग और भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसे? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंग और भंग के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ था 1905 और 1906 में, ठीक है। ये क्यों हुआ था? ये हुआ था जो बंगाल विभाजन का बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए हुआ था ये आंदोलन, ठीक है। अब आपको पता होगा बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में हुआ था, ठीक है। और उस समय कौन था जो आपका, जो उस समय कौन था, उस समय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था बंगाल विभाजन, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ, ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। अब जब ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ 1905 में, ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये स्थगित कब हुआ, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो बंगाल विभाजन हुआ उसमें क्या था कि जो बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। इसका एक ही तात्पर्य था कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको आहत पहुंचाना, ठीक है। मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया और हिंदुओं को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, जिससे क्या कि हिंदू और मुस्लिम की एकता प्रभावित हुई। लेकिन 1911 में इसको क्या कर दिया था, रद्द कर दिया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, ये किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। और इसके पीछे, रद्द करने के पीछे क्या कारण था, इसके पीछे था कारण जो कि 1911 में जो ब्रिटेन के जो राजा थे, ठीक है, उनका जो इंडिया में आना हुआ था, उसके कारण इसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया था। इसको मैं अलग से बताऊंगा जब इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात आएगी, तो इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं, अशोक आंदोलन। अशोक आंदोलन कब चला था आपका? अशोक आंदोलन चला था आपका 1920 में, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये जो इसका आंसर रहेगा, कौन सा आंदोलन घटित हुआ सबसे पहले, ये हुआ था स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन 1905, ठीक है, और 1906 में। अब फ्रेंड्स कोशिश करनी है, अगर यहाँ 1905 1906 आया तो कोशिश करनी है 1905 में और क्या क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, जैसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, किसने की, कब की, कहाँ की, ये सभी आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी क्वेश्चन पेपर को उठा कर देखें तो उनके चारों के चारों जितने ऑप्शन दिए होते उन सभी को एनालाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, जो आगे के बाकी के है बाकी हम डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।